हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त रजनीश, और आज हम बात कर रहे हैं जीप कंपस की। और ये ग्लोबली लोगों के दिलों पे अपनी जीप कंपस को लेकर के लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी है। और आपको अगर और ये जीप कंपस का रियर प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल में आप देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपको मिलता है सैफीन एंटीना, उसके नीचे स्पॉइलर के साथ आपको ब्रेक लाइट एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ग्लास पे आपको डिफॉगर लाइन मिल जाती है, वाशर विद वाइपर के साथ में आपको नीचे मिलती है क्रोम ग्रिल जो 270 डिग्री में है, उसी के नीचे आपको मिलता है जीप का लोगो, सेम उसी के नीचे मिल जाता है आपको कैमरा। उसके थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो ये वेरिएंट है लिमिटेड ऑप्शनल, उसकी बैचिंग, और साथ ही उसके साइड में आपको देखने को मिलेगा बूट को खोलने का बटन इसके अंदर। उसी के नीचे आपको मिल जाते हैं बम्पर पे रिवर्स सेंसर, जो चार सेंसर लगाए गए हैं। उसी के नीचे आपको मिलता है मैट फिनिशिंग का ब्लैक कलर का बम्पर, और उसी के साथ में आपको फोक लैंप एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है इसमें 438 लीटर का बूट स्पेस, और उसी के नीचे आपको दिया गया है एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील जो 17 इंच का है, और यहाँ से मिल जाता है आपको बूट क्लोज करने का बटन। और लाइट एलिमेंट्स आपको ऐसे इस डिज़ाइन का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका इंडिकेटर, ब्रेक लाइट एंड DRL, ये आपकी रिवर्स लाइट। और अब आते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको ऐसी डिज़ाइन देखने को मिलेगी साइड प्रोफाइल, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तो साइड प्रोफाइल में आपको सबसे ऊपर आपको मिलते हैं रूफ रील, उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको 270 डिग्री की डोर पे क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, और वहाँ पे आपको बॉडी कलर के हैंडल के साथ पुश बटन लॉक और सेंसर अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पर नीचे आपको मिलती है कंपास की बैजिंग, और आपको ये डुअल टोन में देखने को मिलती है ब्लैक विद ग्रीन। अभी हमारे पास ग्रीन कलर है तो ब्लैक विद ग्रीन डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको मिरर जो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ब्लैक कलर को देखने को मिलेगा, उसी के नीचे आपको मिलेगा इसी में इंडिकेटर। और हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक, और इसके टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं डायमंड कट के 18 इंच के अलावे। ब्लैक कलर की क्लाइडिंग भी देखने को मिल जाती है, जो यह है मैट फिनिशिंग के साथ। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें फ्रंट प्रोफाइल आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बोनट पे आपको मिलता है जीप का लोगो, और वहीं उसी के नीचे आपको मिल जाते हैं 7 स्लॉट ग्रिल जो क्रोम एलिमेंट्स के साथ देखने को मिलेगी, और नीचे की ग्रिल आपको देखने को मिले वेंटिलेशन, उसी के नीचे आपको ग्रे फिनिशिंग के साथ ग्रिल देखने को मिल जाती है। और वहीं पर आपको मिलते हैं आपके DRL विद इंडिकेटर के साथ LED हेडलाइट, जो जीप परफॉर्मेंस LED है, इन्होंने मतलब अपनी हेडलाइट बनाने के लिए जान डाल दी है, और उसी के नीचे आपको मिल जाते हैं LED फॉक लाइन, और नीचे तो आपको मैट फिनिशिंग का बम्पर देखने को मिल ही रहा है। तो ये था एक्सटीरियर, और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में हम जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइवर डोर पर देखने को मिलते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल, और आपकी मेमोरी सीट सेट करने का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिलता है साइड मिरर फोल्डर, और ये आपके कुछ पावर विंडोज़ एंड लॉक और अनलॉक का ऑप्शन।
उसके नीचे अगर देखेंगे तो आपको मिल जाता है कुछ स्पेस बॉटल वगैरह और कुछ सामान रखने के लिए। वहीं पर आपको ये यहाँ पे दिया गया है अल्पाइन का स्पीकर, और इसमें आपको डुअल टोन का इंटीरियर देखने को मिलेगा, ब्लैक 10 एंड ये आपका ग्रे कलर का। तो ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको मिलते हैं 1, 2, 3, 4 हेडरेस्ट और 5 सीटर ये जीप कंपास है। तो यहाँ पे आपको सीट की अगर बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है लंबर सपोर्ट और आपके सीट सेट करने का ऑप्शन, और यहाँ पे मिलते हैं आपको हेडलैम्प लाइट के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और अब बैठ जाते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं इसको फटाफट से ऑन। यहाँ से आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, और जैसे ही ऑन करते हुए आपको ओडोमीटर ऐसी डिजाइन का देखने को मिलेगा। तो आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा लेदराइज निगेटिव फोमिंग के साथ, और यहाँ पे आपको एसी 4 एसी वेंट आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लो बॉक्स, और ये आपकी ग्रिल जो ग्रे कलर की है, और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के सिस्टम के कुछ बटन मिल जाते हैं। ये आपका वॉल्यूम की, ये आपका ट्यून चेंज करने का इस कलर, और आपका स्क्रीन ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, म्यूट भी कर सकते हैं, और आपके कुछ यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा गियर लीवर देखने को मिलेगा पेट्रोल इंजन पे, और ये आपका मिल जाता है पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे स्टेयरिंग के कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको देखने को मिलता है स्टेयरिंग पे जीप का लोगो, और आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइपर, और इस साइड में इंडिकेटर एंड अपर डिपर। सेम उसके नीचे यहाँ पर आपके ये दिए गए हैं, दोनों साइड में आपको ये ऐसे बटन देखने को मिलेंगे जो आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए और वॉल्यूम कंट्रोल करने को देखने को मिलेगा। सेंटर कंसोल आपको कुछ ऐसे डिजाइन का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कप होल्डर, और यह आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा जो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। और वहीं पर आपको रूफ में आपको बूट को ओपन क्लोज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपके बल्ब आपके रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ से आपको मिलता है सनरूफ खोलने का ऑप्शन। वहीं पर आपको सनवाइजर में देखने को मिलेगा ये ग्लास, और इसमें कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है, और ये मिल जाते हैं आपको यहाँ पर एक, और यहाँ पर आपको दो माइक देखने को मिलेंगे। सनरूफ इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी आपको सनरूफ देखने को मिलेगी इसमें। और अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में। सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं, थाई सपोर्ट भी इसका बहुत अच्छा है, और वहीं पर आपको सेकेंड रो में आपको मिल एसी एयर विंड्स देखने को मिल जाती है, यूएसबी पॉड मिल जाता है, और 12 वोल्ट का डीसी चार्जर देखने को मिल जाता है। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सेकेंड रो में। और वहीं पर आपको यहाँ पे कप होल्डर एंड हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थी और अगर हम इसके इंजन की अगर बात करें तो इसमें 1.4 1400 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो 163 bhp और 250 nm टॉर्क के साथ देखने को मिलेगा। तो ये थी जीप कंपास, और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा।
चैनल पर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।